नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल, महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा ने शिवराज सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शिवराज मामा के राज में महिलाओं का जीवन बर्बाद हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज इसी सभागार में मैंने प्रदेश भर से आई महिला कांग्रेस की हमारी बहनों से विधानसभा चुनाव के संबंध में बैठक की और मैंने उनसे कहा कि मध्य प्रदेश में यदि सबसे ज्यादा किसी सरकार से कोई परेशान है तो वह कौन सा वर्ग है, और उनका जवाब था महिलाएं। उन्होंने कहा कि सच्चाई यह है, कुछ दिन पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, जो अपने आप को यहाँ के मामा कहते हैं, जब वह एक भाषण दे रहे थे तो उन्होंने उस भाषण में महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि ऐसा कोई मामा मध्य प्रदेश को नहीं मिल सकता है। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मैं आपके माध्यम से ये कह रही हूँ कि इस मामा ने सही बात की है। हाँ, सच्चाई है कि शिवराज सिंह जैसे मामा और भाई किसी को नहीं मिल सकता। यह मध्य प्रदेश की बेटियों और महिलाओं की आवाज है। जब से भाजपा की सरकार मध्य प्रदेश में बनी है, मध्य प्रदेश में महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हुआ है, रेप की घटनाएं हुई है, उसमें बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। यह मैं नहीं कह रही हूँ, यह कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, यह देश की एजेंसी NCERB के आंकड़े कह रहे हैं। महिलाओं को 450 रुपया गैस सिलेंडर देंगे, जबकि दूसरे तरफ केंद्र सरकार ने 209 रुपया गैस सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया। मैं ये पूछना चाहती हूँ उनसे, 18 साल आपको याद नहीं रहा, या ये पिछले 2014 से लेके अब तक जब देश की महिलाएं गैस सिलेंडर के दामों का जो बोझ उठा रहे हैं, आपको ये याद नहीं आया? और वो भी ये जो योजना है वो केवल BPL कार्ड होल्डर्स के लिए है, और BPL कार्ड होल्डर्स, आप सभी को पता है कि BPL कार्ड होल्डर्स में से अधिकतर जो कार्ड्स होते हैं वो पुरुषों के नाम पे होता है, और यहाँ पे भी आपने क्लॉज लगा दिया कि वो कार्ड जो हो वो बहनों के नाम पे हो, महिला के नाम पे हो। तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे बहनें इस लाभ से वंचित हैं, और जब ये जाते हैं अपने कार्ड को अपने नाम पे कराने के लिए तो 4,000 रुपया का कमीशन मांगा जाता है उनसे। 450 रुपया गैस सिलेंडर देने के लिए गरीब महिलाओं से 4,000 का कमीशन मांगा जाता है मध्य प्रदेश में। जब कांग्रेस की सरकार आएगी, मैं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश के सभी बहनों को ये बता रही हूँ कि बिना कोई भेदभाव से सभी महिलाओं को गैस सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। हमें वो भी दिन याद है जब स्मृति ईरानी जैसे अब जो केंद्र में बैठी मंत्रियां हैं वो गैस सिलेंडर को अपने सिर पे उठा के चिल्लाती थी, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। पर अब जब वो खुद एक मंत्री है, जब वो खुद डिसीशन मेकिंग में है, तो वो मौन है। गैस सिलेंडरों के दाम पे बोलने की हिम्मत नहीं रखती है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में गैस सिलेंडर का दाम कम हुआ है, पर ये केंद्र की सरकार ने गैस सिलेंडरों के दाम कम करने का सोचा नहीं। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से मामा को, एक ऐसे मामा जिसे लोग नाना कहना चाहते हैं, नाना, हमें ऐसा मामा नहीं चाहिए, मैं मामा से कहना चाहती हूँ, मध्य प्रदेश के उस मामा को जिसने अपने आप को घोषित कर दिया मामा पर महिलाओं ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया मामा, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अगर थोड़ा सा भी शर्म है, अगर वो सही में रिश्तों में मानते हैं तो अपने आप को, ये जो मामा वाला शब्द को बचाने के लिए, ताकि कोई भी भांजी, ताकि कोई भी बेटी ये शब्द बोलने से पहले शर्म महसूस ना करे, वो कृपया करके अपने आप को मध्य प्रदेश का मामा कहना बंद करे, वरना देश की बेटियां, मध्य प्रदेश की जो बेटियां है वो इन संबंधों से भी अपना विश्वास खो बैठेगी।
सच्चाई यह है कि महिला विश्वास हो चुकी है और आने वाले चुनावों में उसका जवाब उनको मिलेगा। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में जो हमारी बहनों के लिए जो योजनाएं सोचे हैं, जो हमारी बहनों के हित में जो योजनाएं सोचे हैं, उन योजनाओं को पे विश्वास रखते हुए वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आएगी। आपके माध्यम से मैं बता दूं, हमारी बहनों को जब वो एक बेटी को जन्म देगी तब उनके जन्म से लेके उनके विवाह तक उनको 2,51,000 रुपया मिलेगा। और ये जो दिया जा रहा है ये कोई रहम नहीं कर रहे कोई भी सरकार, ये आपका अधिकार, ये आपका हक देने का काम कर के बारे में सोचा है कांग्रेस पार्टी ने। कांग्रेस पार्टी जानती है, ने हमेशा बहनों की और महिलाओं की सशक्तिकरण के बारे में सोचा है। इसीलिए इस चुनाव में बेटियों के विवाह की एक नई योजना प्रारंभ की, जिसमें बेटियों को 1,01,000 रुपया की सहायता मिलेगा। मध्य प्रदेश की बहनों को फ्री बस ट्रैवल भी मिलेगा, 100 यूनिट तक की बिजली माफ होगी और 200 यूनिट तक का जो बिल होगा वो हाफ होगा। हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए भी कांग्रेस ने बहुत कुछ सोचा है और आशा कार्यकर्ताओं के लिए भी सोचा है। और मुझे विश्वास है कि जो कांग्रेस पार्टी की जो नीति है उसमें विश्वास रखते हुए तो इस बार दोबारा कांग्रेस पार्टी को एक ऐसे बहुमत से जिता के आओगे कि जिस तरीके से पिछले समय ये मामा ने कांग्रेस की सरकार को जो तोड़ने का काम किया, यहाँ पे एक ऐसे बहुमत से कांग्रेस को जिता के ले आएंगे कि कांग्रेस की जो कांग्रेस की सरकार जो है वो खास करके महिला सुरक्षा पे और महिलाओं को उनके अधिकार देने के लिए जो काम करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी, उसे काम करने का एक मौका दोगे। आपके जो भी सवाल है उस सवाल के लिए मैं यहाँ पे आपके बीच हूँ। देखिए, जब 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, मुझे गर्व है ये कहने में कि मध्य प्रदेश में महिलाओं के अपराध में बहुत भारी कमी हुई थी, कटौती हुई थी महिला अपराधों में। मुझे विश्वास है क्योंकि हमें जब हम सत्ता में आते हैं हमें सत्ता चलाना भी आता है, सरकार भी चलाना आता है, हम जो वादे करते हैं उन वादों को निभाने भी हमें आता है। कांग्रेस ने देश चलाया है और मुझे विश्वास है कि मध्य प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार आएगी तब आने वाले दिनों पे आपको मध्य प्रदेश में महिला अपराधों में बहुत कमी दिखाई देगी। देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर भगवान न करे, अगर किसी, हम तो सबसे पहले ये कहेंगे कि एटलीस्ट कांग्रेस की जब सरकार आएगी, जिस तरीके से पिछले 15 महीने जब सत्ता में थे 15 महीने, तब आप सभी ने कटौती तो देखा महिला अपराध में। ये तो मैं नहीं कह रही हूं या कांग्रेस पार्टी इसका नहीं कह रही है या ये हमने अपने जेब से आंकड़े नहीं निकाले, ये NCRB का डेटा कहता है। और भाई साहब, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कांग्रेस की जब सरकार आएगी तब लोग डरेंगे महिलाओं पे अपराध करने के लिए। मुझे विश्वास है हमारे लीडरशिप पे कि वो लोगों में पुलिस को भी सेंसिटाइज किया जाएगा और लोगों में ये अवेयरनेस भी क्रिएट करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बस आप पूछ चुके हैं ना? लेट हिम आस्क। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।